बेहतरीन कार्यक्रम भी आप सुन रहे थे आदरणीय बड़े भाई श्री विपिन बैकुल जी की ओर से। बड़ी शहरो शायरी हो रही थी आपकी तरफ से, तमाम सारी बातें हुई आपकी तरफ से। सुनिए जरा, सुनिए। लकड़ी जल कोयला भाई, कोयला जल भैरा, इसको कहते हैं काम। जे जे की कोयला भाई, गुजरे हुए जमाने फिर से नहीं आते। हाँ। आते हैं नए लोग। हाँ। पुराने नहीं आते। ये लकड़ी के मकानों में चिरागों से न खेलिए। हाँ। क्योंकि आज आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। आप कह रहे छोटे भाई हैं, बड़े भाई को गाली दे, डंडा मारे ना भैया, ना भैया, भाई आपका छोटा भाई हूं, मेरे अंदर वो संस्कार नहीं है, लेकिन मैंने आपसे एक बात कही, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा ये मंच है, मंच पे आप कलाकार है, मैं कलाकार हूँ, मंच के नीचे आप मेरे भाई हैं, और क्या आपका पूर्ण सम्मान है, आप पिता तुल्य हैं, और मंच के ऊपर आप मेरे दुश्मन हैं। हाँ, हम लोग दुश्मन नहीं है, हम लोग शब्दों के दुश्मन है। क्या बात है, पुराने चुटैया बाबा। हाँ, क्या रुपए है, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं और दुश्मन देखिए, ये कोई ये नहीं कि ईंटें पत्थर लाठी डंडे थे से युद्ध हो रहा हो, ये जवाबी मंच है कि यहाँ पर हमारा आपका वाक युद्ध हो रहा है, हमारा आपका वाक युद्ध हो रहा है, ना कि कोई गोली चल रही है, हमारे आप दुश्मन है, मात्र हमारे आपके जो शब्द निकल रहे हैं, जो पुराणों से, वेद से या शब्दावली से जो शब्द निकल रहे हैं, बस हमारी आपकी वही लड़ाई है। और बड़े भैया एक कारण है, आप चूंकि बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, यदि मैं आपको छेड़ूंगा नहीं, जब तक सागर बंधन होगा नहीं तो सागर से कुछ निकलेगा नहीं। बिल्कुल, जब हम आपको छेड़ेंगे तो आप कई नई बातें हमको निकाल के देंगे, वही हमको सीखने को मिलेगा, बस ये कारण है, इसलिए हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम बच्चे में आपको नहीं छोड़ेंगे, बस कारण सिर्फ यही है कि जब हम आपको छेड़ेंगे तो आप कुछ ना कुछ निकालेंगे जो आने वाले समय में हमारे लिए काम देगा। बिल्कुल, बाकी रही बात आप कह रहे कि ऐसे भाई है कि डंडा से मारे, नहीं वो संस्कार मेरे अंदर नहीं है, यदि आपने बड़े का सम्मान रखा है तो आपका छोटा भाई भी बड़ों का सम्मान रखेगा। बिल्कुल, बोलिए सच्चे दरबार की जय। और शुक्ला जी कहाँ चले गए, शुक्ला जी सागर का मंथन करने के। अरे बोली जी सूरत और आई ऐसी एयर डेयर, हाँ, बेयर, ये
शुक्ला जी उसमें भक्तों का पावर सांबर जवाब दे रहे हैं कांवर और पिले जे हरे के दिन मोहर एक जगह है उनके टावर ये सब जगह उनके टावर लगे एयरटेल या जियो के और क्या अरे दर्शन देने आना बड़ा है ऐसे भक्त का पावर बहुत सुंदर ये है लेखनी वाह भाई शुक्ला जी को सीखना पड़ेगा कुछ त्याग करना पड़ेगा बिना त्याग के जवाब ही नहीं हो सकती है बिल्कुल मंथन करना पड़ेगा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सागर का जब मंथन हुआ था उस मथानी का नाम क्या है बताएंगे भी शुक्ला जी संजय भैया का भाई देखिए समस्या तो दादा यही आ रही है आप कह रहे पौराणिक सुनो भाई जी कह रहे पौराणिक सुनो कोई सुनने वाला नहीं है नहीं नहीं कारण ये है पौराणिक चीज तो हो रही है लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हमारे हिसाब से देखिए जो पहला गीत भैया की तरफ से आया वो खैर कहानी थी हमने इसको स्वीकार किया लेकिन दूसरा गीत जो मैंने दिया था मुख में रखने वाले ये कहानी नहीं दादा मुख में रखने वाले चक्र को मुख में रखा और मुद्रिका को मुख में रखा ये पौराणिक कहानी है अरे वो तो अलग की बात है खैर और अभी एक भैया ने सवाल भी किया वो भी पौराणिक है शिव संकल्प कीन मनमाही और अब सती बहन अब नहीं इस प्रकार का है तो वो भी पौराणिक ही है तो अब समझने का फेर है कौन कैसे समझता है बाकी ज्यादातर पौराणिक चल रहे बाकी जनमानस को देखते हुए गीत भी हम लोग प्रस्तुत करते हैं कारण ये हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा कार्यक्रम कहीं से माइनस हो इसलिए हर कलाकार या कोई भी व्यक्ति हो जो कार्य करता है वो ये सोच करके करता है कि हम ऐसा कार्य करें ताकि आने वाले समय में हमारे कार्य की बढ़ोतरी हो कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करता हम हो या आप हो कोई व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करता है कि हमारा काम माइनस में जाए हर व्यक्ति कार्य ऐसा करता है कि हमारा कार्य प्लस में जाए बढ़िया अति सुंदर बहुत बढ़िया पिछली साल रामचरितमानस के गीत होंगे वैसे बेवल भैया आपने गीत गाया था रंगों की सती जी को त्याग रहे धीर धारे त्रिपुरारी माँ से रूठ गए होनी होती है ताले नहीं टलती और हमारे भाग फूट गए अब चूंकि बार बार बड़े भाई का आदेश हो रहा है वैसे जवाब बहुत अच्छा लिखा हुआ रखा था और ये भी पौराणिक कथा है और फूट गए छूट गए टूट गए इस प्रकार जैसे आपने सजोया था गीत को वैसे बहुत अच्छा जवाब लिखा था खैर छोड़िए जैसा चूंकि आयोजन का आदेश आयोजक महोदय पैसा मिश्रा जी खर्चा कर रहे हैं उनके हिसाब से चलना पड़ेगा हमको तो आज की रात इनके नौकर है ये जैसे नचावे कठपुतली नाचती रहेगी उनका आदेश सिरोधार है सच बात है सच बात सच आराम से बैठे आराम से ये मंच की बात है और मंच के नीचे उतरेंगे तो फिर हमारा घर हो जाएगा और क्या ये हाथ तुमने चौथी वाला लगाया बेटे अरे मैं जट्टी अबला पगला दीवाना और भाई और आराम से शाबाश बहुत सुंदर क्या बात है अरे का रहा
आदेश हो रहा है पौराणिक बातों को छोड़ करके भजन की ओर चला जाए। हो जटिया पहला पगला दीवाना की रब्बा इतनी सी बात न जाना कि वो मैंने प्यार कर दी है तेरे होते वो पर दी है वो मैंने प्यार कर दी है तेरे होते वो पर दी है मैंने प्यार कर दी है तेरे होते वो पर दी है। समर्पित कर रहा हूँ जीवन का क्या है ठिकाना जीवन का क्या है ठिकाना आज आए तो है कल तो जाना तो जाते जाते प्यार कर लो जी मैया का दीदार कर लो जी जाते जाते प्यार कर लो जी मैया का दीदार कर लो जी क्योंकि दुनिया से क्या पाया है क्या पाओगे क्या लेकर आए थे क्या ले जाओ। सम्मानित पहुंचने बड़े भाई मिश्रा जी की ओर से ये 51 रुपए है मैं आपके चरणों में बार बार करता हूँ प्राप्त करता हूँ। अरे दुनिया से क्या पाया है क्या पाओगे क्या लेकर आए थे क्या ले जाओगे अरे पल पल तेरे पे माँ को अगर बिठाओगे रोते रोते आए हंसते जाओ रोते रोते आए हंसते जाओगे रोते रोते आए हंसते जाओगे क्योंकि अरे भाई और भतीजे कोई काम नहीं आएंगे भाई और भतीजे कोई काम नहीं आएंगे भाई और भतीजे कोई काम नहीं आएंगे अरे बेटे तुझे दूर से बेटे तुझे दूर से दुकान भगाएंगे बेटे तुझे दूर से दुकान भगाएंगे बेटे तुझे दूर से दुकान भगाएंगे अरे लेके लूट खजाना 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 जीवन का क्या है ठिकाना आज आए हो तो कल है जाना जाते जाते प्यार कर लो क्योंकि हर कोई तोड़ता है तरक्की की छाप को और भीड़ में देखता है सिर्फ वो अपने आप को एक माँ बाप पाल लेते अपने चार बच्चों को और चार बच्चे नहीं पाल पाते अपने एक माँ बाप को। अरे एक पिता अपनी पूरी पूंजी लुटा देता है अपने बेटे के बिल्कुल भविष्य के भविष्य बनाने में एक पिता अपनी पूंजी लुटा देता है अपने बेटे का भविष्य बनाने में जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मिनट भर नहीं लगाते उनसे दूर जाने में। क्या भैया क्या बात है आज आज का ऐसा जमाना है ऐसा बदलाव है इतने बड़े बड़े अरे बड़े बदनसीब होते हैं वो गुब्बारे जो चंद सांसों में फूट जाते हैं बड़ी बदनसीब होती है वो औलादे जो पैसा पास आते ही माँ बाप को भूल जाते हैं। आज आज अरे आजकल के बेटे बीबियों के जाल में रहने लगे बिल्कुल बिल्कुल आजकल के बेटे बीबियों के जाल में रहने लगे अपने माँ बाप को छोड़कर नैनीताल में रहने लगे। एक वो जमाना था एक वो जमाना हुआ करता था कि परिवार के साथ गांव में रहा करते थे आज चार पैसे आ गए तो नैनीताल में रहने लगे। ये बहुत सुंदर भैया। अरे दुनिया से क्या पाया है क्या पाओगे क्या लेकर आया था क्या ले जाओगे बड़े बड़े तेरे में मां को बिठाओगे बड़े बड़े तेरे में
बनाए मंदिर में माँ को मनावे रोते रोते आए और हंसते हंसते जाओगे रोते रोते आए और हंसते हंसते जाओगे रोते रोते आए और हंसते हंसते जाओगे अरे ले दे लूट खजाना 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 जीवन का जीवन क्या क्या है ठिकाना आज आए हो तो कल है तो जाते जाते प्यार कर लो जी या कभी प्यार कर लो जाते जाते प्यार कर लो जी मैया का दीदार कर लो जी जाते जाते प्यार कर लो जी मैया का दीदार कर लो जी क्योंकि अरे बाके उस बाग लिए कहना है जिस माँ ने हमें 9 महीने उधर में रखा अपना लहू पिला करके पाल पोस के बड़ा किया उस माँ के लिए कहना है अरे बाके पाव सब पावन कोई पावो नहीं कोई पाव नहीं बाकी आंचल से ठंडी कोई छाव नहीं क्या और भाई प्रभादड़ी सम्मानित श्री शिव सागर कुशवा आपकी ओर से क्या है मैं हृदय से आपको नमन करता हूँ वंदन करता हूँ माँ भगवती आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे जोरदार ताली क्यों तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है माँ प्यारी प्यारी है आदरणीय भैया श्री सूरपाल कुशवाहा आपकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ताली ताली जोरदार ताली क्यों तू कंडला की है मातरी किया क्यों क्यों और मेरे लिए तो जागी है हाजी मेरे लिए तो जागी है मां सारी सारी रतिया मेरी बिटिया पे अपनी वारी है तेरी बिटिया पे बिटिया वारी है तोड़े भरे है उसकी बड़ा करती है वो माँ देखो आदरणीय समाज गौरव मिश्रा आपकी ओर से 21 रुपए बहुत बहुत धन्यवाद है जोरदार ताली बच्चों की जाग होती है ये हो ताली ताली जोरदार ताली कपाट बहुत अच्छे बहुत अच्छे बावड़े क्या ढोलक बजाते हो तुम कोई जोर नहीं तुम्हारा बहुत सुंदर जय
है अरे वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके पाती है मेरे हंसते मेरे रोने और ये पुनः पुनः राज किशोर कुशवाहा आपकी ओर से किस में बहुत बहुत धन्यवाद। जग के जाल में मांगेरी मुझ पे खोई जब जब टूटा मेरा खिलौना जब जब टूटा मेरा खिलौना मुझसे पहले तू रोई तेरी तुलना किससे करो से करो अरे वो बचपन कितना सुहाना था कि माँ की एक लोरी में सो जाया करते थे। क्यों जोरदार ताली। तेरी आंचल की छाया को मेरी नींदे तरसती है, मेरी नींदे तरसती है, मेरी नींदे तरसती है। पुत्तन मिश्रा 11 रुपए, पुत्तन मिश्रा 11 रुपए, आपकी ओर से 11 रुपए बहुत बहुत धन्यवाद है। आदरणीय दादा धन्यवाद है। मेरी नींदे तरसती है, मेरी नींदे तरसती है, मेरी नींदे तरसती है। और माँ तेरी यादों के आंगन में, तेरी यादों के आंगन में मेरी आंखें बरसती है, मेरी आंखें बरसती है, मेरी आंखें बरसती है। रहा हूँ मैं परेशान हो रहा हूँ मैं।
अभिया जोरदार ताली। अकेला रो रहा हूँ परेशान हो रहा हूँ, गले दे मैं तेरा वो बुला ले तू, गले फिर से लगा ले तू। और नहीं कुछ तो